ये देखो यहाँ पर जो है आपके पास, अब उन्होंने क्या कहा था आपको लास्ट पार्ट में जो हमारी बात खत्म हुई है वो ये हुई है कि आपके पास जो ट्रांसमिटेड है वो आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसमिटेड में आपके पास क्या आ रहा है, आई नॉट ओवर 4 इज इक्वल्स टू आई नॉट और कॉस स्क्वायर थीटा। अब आई नॉट और आई नॉट कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और बाद में आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। अब ये याद रखना कि ये जो एंगल आपके पास आया है ये ट्रांसमिशन का एंगल आया है बिटवीन ए एंड बी। इनिशियली ए ये था और बी ये था, आपने जब इसको घुमाया, घुमाया कैसे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दी हुई है। आप देखो इसको आपने इस डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से घुमाओगे तो आपके पास क्या होगा कि बी पे, अब जो एंगल ए और बी के दरमियान बना है वो यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो जब आपने इस बी को घुमाया, पहले यहाँ आया होगा 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री तक कुछ नहीं हुआ, फिर मजीद जब आपने 60 डिग्री गुजारा तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया। ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं तो यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा। तो एक तो एंगल ऑफ रोटेशन ये हो सकता है कि आप 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर दो तो आपके पास आंसर क्या आ जाए, 150 डिग्री आ जाए। और अगर आपने ये नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हो कि 90 प्लस 90 प्लस 90 तीनों क्वाड्रेंट से गुजरे और प्लस 60 बाद में आपने कर दिया तो आपके पास 330 डिग्री आ गया। तो आप या तो इसका आंसर 150 डिग्री लिख सकते हो या आप इसका आंसर 330 डिग्री लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि एक माइक्रोवेव है इंटेंसिटी आई नॉट की और एम्पलीट्यूड उसका ए नॉट है। उसके बाद क्या हुआ कि वो दूसरी माइक्रोवेव से मिलती है, फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। दोनों माइक्रोवेव जो हैं वो प्लेन पोलराइज्ड हैं, सुपरपोज करेंगी जब वो मिलेंगी। आपको बगैर कैलकुलेशन के ये बताना है कि वो जब मिलेंगी तो वो जीरो एम्पलीट्यूड की नोट्स क्यों नहीं बता सकती। जीरो तो उस वक्त बने जब ये एम्पलीट्यूड और दूसरी जो इससे मिल रही है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1/4 आई नॉट है यानी कि एम्पलीट्यूड रफली आपके पास ए नॉट बाई टू होगा। जब एम्पलीट्यूड यहाँ ए नॉट बाई टू और ये ए नॉट है तो आपके पास ये दोनों इस तरीके से मिल ही नहीं सकती कि आपके पास क्या होगा, ये जीरो हो जाए। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास क्या है, द वेव्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ठीक है एंड कैन नॉट हैव रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो। तो इसलिए इनकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या है, डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ ए नॉट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म्ड। आपको ए नॉट की टर्म्स में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता करना है क्योंकि ये सुपरपोज कर रही है, एक दूसरे से मिल रही है। तो अब उसके लिए आप क्या करोगे कि आपके पास क्या है, आपकी एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है इज इक्वल्स टू, नहीं आई नॉट के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास क्या है, ए नॉट है। और दूसरी इंफॉर्मेशन हम ये कर सकते हैं कि आई नॉट के साथ जो है आई नॉट ओवर 4 है और यहाँ एम्पलीट्यूड आप ले लो कि आपके पास ए डैश है, आपको नहीं पता कि एम्पलीट्यूड कितना है क्योंकि अभी हमने प्रूव नहीं किया। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों रेशियोज बराबर कर लेते हैं, आई नॉट ओवर ए नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट ओवर 4 ए डैश और यहाँ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर होता है जो आपका लॉ है, ठीक है। आई नॉट और आई नॉट कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 4 ए डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए नॉट स्क्वायर और ए डैश आपके पास बराबर हो गया ए नॉट ओवर 2 के। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, मैक्स कैसे आएगा कि आप ये दोनों को ऐड कर दोगे तो ए नॉट ओवर 2 प्लस ए नॉट, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 ए नॉट ओवर 2। ये 3/2 ए नॉट है।